सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश महंत ब्लॉग्स में। और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ दिस द यामाहा MT-15। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, सर्च करें प्रकाश महंत। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल आप वहाँ पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने गाड़ी की चाबी जो है वो ऑन रखी है और इसके जो ये DRLs हैं वो ऑन है। अब इधर से दिखाता हूँ पहले आपको मैं इसका मीटर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके चाबी लगाने का मिलता है और कुछ इस तरीके की इसमें आपको चाबी देखने को मिलती है। और ऑन करने पे इसमें जो वेलकम फीचर आता है उसे देखिएगा। तो ये देखिए, हाई बडी लिखा हुआ आता है और ये सारे डायल्स जो हैं वो अपने एंड तक जा कर के वापस आते हैं। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और यहाँ पर दो बटन्स मिल जाते हैं जैसे कि देख सकते हैं टाइम। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मिल जाता है और एवरेज दिखाता है यहाँ पे। और ये ओडोमीटर और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रिप ए ट्रिप बी और ये टाइम, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड पे देख सकते हैं किल स्विच मिलता है, सेल्फ स्टार्ट और इधर देख सकते हैं पास लाइट है, हॉर्न है और इंडिकेटर है। तो यहाँ पर कुछ स्टिकर देखने को मिलता है आपको। और ये रहा इसका फ्यूल टैंक, ये फाइबर बॉडी है और यहाँ भी फाइबर बॉडी है और ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी है 10 लीटर्स की, जो कि मुझे थोड़ी सी कम लगती है। और सिटी में इस गाड़ी का माइलेज है वो अराउंड 30-35 का रहने वाला है और हाईवे पे अराउंड 40-45 का माइलेज इजीली इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इसके मिरर्स देख सकते हैं जिनकी डिज़ाइन जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी नुकीले हैं इसकी डिज़ाइन। और ये रही इसकी सीट, देख सकते हैं स्प्लिट सीट नहीं है। जो इसमें ड्राइवर है वो तो काफ़ी कंफर्टेबल बैठेगा ही, बट पैसेंजर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे हिसाब से नहीं बैठेगा। और इसका ग्रैब हैंडल यहाँ पर नहीं है, ग्रैब हैंडल ये है दोस्तों इसके रियर पैसेंजर के लिए, ये रहा इसका ग्रैब हैंडल। और ये जो इसकी टेल लैंप है देख सकते हैं यहाँ पर भी LED यूनिट मिलता है। और इसके जो टेल लाइट है उसकी लंबाई भी देख सकते हैं मड गार्ड के साथ काफ़ी अच्छी लंबाई है। और जो इसका नंबर प्लेट है उसके लिए येलो लाइट यूज़ किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर जो है इसके नंबर प्लेट का हाउसिंग दिया गया है। और इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन है, सिर्फ इसकी जो ब्रेक लाइट है वो इसकी LED यूनिट है। और यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टेबल मोनो रियर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चैन स्प्रॉकेट देख सकते हैं, स्पोर्टी वाला है। और बात करें इसके रियर टायर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको 140/70 17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलते हैं दोस्तों। ये रेडियल टायर है और ऑरेंज कलर की अलॉय व्हील मिलते हैं रियर पे। और ये रहा इसका मड गार्ड, यहाँ पे भी मड गार्ड है। और बात करें इसके शैसी की, तो ये बनाई गई है डेल्टा बॉक्स फ्रेम शैसी पे ही। और अब बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 1,40,000 रुपीज़ का। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है वही R15 वाला ही इंजन। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की डीपली में, तो इसमें आपको मिलता है 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन विच जनरेट्स प्रोबेबली 18.2 BHP ऑफ पावर एंड 13.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं, एक गियर नीचे बाकी के 5 गियर ऊपर मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल पेडल मिलता है आपको इसके गियर शिफ्ट के लिए। और यहाँ पे इसका इंजन बेली है जिसे कि इंजन काउल भी कहा जाता है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे यामाहा का लोगो, उसके नीचे MT-15 की ब्रांडिंग और यहाँ पे एक MT का एक और बैजिंग मिलता है और यहाँ पर ABS लिखा हुआ मिल जाता है। और सामने पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट की हाउसिंग दी गई है, ये DRLs और ये इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख सकते हैं जो कि LED यूनिट है। नंबर प्लेट की सॉरी यहाँ पे दिया गया है, ये नहीं है नंबर प्लेट के लिए। यहाँ पे आप चाहे तो एक विंडशील्ड लगवा सकते हैं। और ये रहा इसका फ्रंट मड गार्ड जो कि काफ़ी अच्छी, यहाँ पर थोड़ी सी मैट ब्लैक फिनिश है और थोड़ा सा रफ़ एरिया है, स्मूथ नहीं है ये, तो काफ़ी अच्छा गाड़ी सामने से दिख रही है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मोटे मोटे शॉकअप्स दिए गए हैं और यहाँ पर यामाहा का लोगो। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क ब्रेक मिलता है और यहाँ पर जो डिस्क साइज़ है वो है 282 mm का इसका साइज़ है। और बात करें फ्रंट टायर साइज़ की, तो फ्रंट में आपको 100/80 17 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। ये रेडियल टायर नहीं है, सिर्फ रियर पे था इसका रेडियल टायर।
और ऑरेंज कलर के एलॉयज भी आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। और ये देख सकते हैं इसका कूलेंट को, यही इसका रेडिएटर है, यहीं से जो इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है वो यहीं से काम करती है। और ये साइड में फेयरिंग के यहाँ पर देख सकते हैं नेट का डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल टैंक के डिज़ाइन को, यहाँ पर मैट वाइट बोल सकते हैं इस कलर को। और यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश भी दिया गया है और पूरे फाइबर वाला एरिया है। और रियर पे देख सकते हैं 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है रियर पे। और टायर साइज़ तो मैंने बताया ही है, रेडियल टायर है 140 सेक्शन वाला। और फुट पैक्स देख सकते हैं। और ये जो इसका साइलेंसर है वो 3 टोन में आता है, यहाँ पे सिल्वर मिलता है, मैट सिल्वर, फिर मैट ब्लैक, फिर यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता है। और यहाँ पर भी यामाहा का स्टिकर मिलता है। और ये रहा इसका ग्रैब हैंडल। और साइड बॉडी पैनल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लगते हैं। और सारी चीज़ों को मैंने कवर तो कर दिया है, और बचा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो दोस्तों इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 170 mm का। तो दोस्तों ये तो था यामाहा MT-15 का रिव्यू। अगर आप भी यामाहा MT-15 ओन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि इस गाड़ी का माइलेज कैसा है सिटी में, हाईवे में, और बाकी परफॉर्मेंस कैसा है और सीटिंग कंफर्ट कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि वो मेरे भी काम आ सके और जो MT-15 लेने वाले हैं उनके भी काम आ सके। दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सर्च करें इंस्टाग्राम पे प्रकाश महंत। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।